हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 बरस थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी खाला जिनका नाम हाला था को हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा उन्स था। वो दिल में इरादा रखती थी कि अपने बेटे अबुल आस के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता अपनी बहन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तलब करें। बस जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सने शऊर को पहुँची तो हाला ने अपनी बहन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपना इरादा जाहिर किया। अबुल आस बिन रवी कबीला बनी अब्द मनाफ बिन कसा में से थे। वो मक्का मौज़मा में उन लोगों में शुमार होते थे जो साहिबे माल थे। उनका पेशा तिजारत था जबकि किरदार के एतबार से लोग उन पर इस कदर भरोसा करते थे कि अपनी अमानतें उनके पास रखवाने में किसी किस्म की बेतवारी महसूस ना करते। फिर उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुदरती तौर पर लगाव भी था। बस जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बहन हाला के इरादे को आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया और रिश्ते के लिए बखुशी इजाज़त दी थी। क्योंकि अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन रबी न सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे बल्कि उनका नस्ब चारों खुश में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। यूँ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बख़ैर वुकूफ़ी अंजाम पाया जो कि बादे अज़ा एक अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में हक और बातिल के दरमियान पहला मार्का मैदान बद्र के मकाम पर पेश आया तो अल्लाह की ख़ास रहमत और एहसान से मुसलमानों को फतह नसीब हुई और कुरैश मक्का के बहुत से आदमी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार होने वालों में अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। बादे अज़ा जब अहले मक्का ने अपने कैदियों के लिए मदीने की तरफ फिदिये के सिलसिले में वफ़द भेजा तो अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फिदिये के लिए उनका भाई उमर बिन रफी आया। उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के ही में थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उमर के हाथ अपना यमनी अकीकी एक हार अपने शोहर की रिहाई के लिए भेजा। ये हार हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी वालिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी के वक्त जहेज में दिया था। जब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हार पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मरहूमा बीवी की याद इस हद तक सताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया अगर मुनासिब समझो तो ये हार ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वापस भेज दो, ये उसकी माँ की निशानी है। अबुल आस का फिदिया ये है कि वो मक्का जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फौरन मदीना रवाना कर दे। तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये शर्त कबूल कर ली। चुनाचा उन्हें रिहा करवाया गया और वो बख़ैर आफ़ियत मक्का मौज़मा पहुँच गए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हमराह ज़ैद बिन हारसा को भेजा ताकि वो वतन या हज के मकाम पर ठहर कर इंतज़ार करें और जूँ ही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के से वहाँ पहुँचे तो उन्हें साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आ जाए। हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वादे के मुताबिक अपने छोटे भाई कनाना के हमराह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्के से रवाना कर दिया। कुफारे मक्का को जब ये खबर मिली कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मदीना तशरीफ़ ले जा रही हैं तो उन्होंने कनाना बिन रबी और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताक़ुब किया। यहाँ तक कि ज़ीतुआ का मुक़ाम आया तो उन दोनों को जा घेरा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला ऊँट पर सवार थी।
कुफार की जमात में से हिबार बिन अस्वद ने ऊंट का मुंह फेरने के लिए अपना नेजा घुमाया, जिसके नतीजे में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट पर से गिर पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमल से थीं। उससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सख्त चोटें आईं, जिससे हमल साकित हो गया। कनाना ने मसलहते वक्त को समझा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वापस ले गए। बाद हज़ार चंद दिन बाद वो रात के वक्त चुपके से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमरा लेकर वतन पहुँचे और उन्हें हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हारसा के सुपुर्द करके मक्का वापस चले गए। बस हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वाक़े के बाद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा ना रही और सन 8 हिजरी में खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिली। इसका सबब इस्क़ात हमल की वो तकलीफ़ थी जो पहली दफ़ा मक्के से आते हुए ज़ीतुआ के मुकाम पर उन्हें पहुँची थी। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दिया। जब गुस्ल से फारिग हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबन हिदायत फरमाया और हिदायत की कि इसे कफन के अंदर पहना दो। मशहूर सहाबिया उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही बुखारी में रिवायत है कि बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल में शरीक थी। गुस्ल का तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले हर उज़ू को 3 या 5 बार गुस्ल दो, इसके बाद काफूर लगाओ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कब्र में उतारा। एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कब्र में उतरे। जिस दिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफात पाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी सबसे अच्छी लड़की थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पीछे रह जाने वाली औलाद में एक लड़का अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लड़की अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल थे।